अरे राहुल योगी जी, इतनी भयंकर गर्मी पड़ते मैंने आज तक नहीं देखी। गला खुशक हुआ जा रहा है गर्मी से। वो तो ये कहो, इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं पूरा पूरा दिन अपना, तो वक्त कट जाता है। घर में घुसते ही घर तो खाने को दौड़ता है, बिल्कुल घर में आग निकल रही है। अरे अखिलेश, जो तुम्हारे सामने मटका रखा है उसमें से एक गिलास पानी दे देना, गला खुशक हो गया। थोड़ा पानी पी के तर कर लूं गले को। क्या मोदी जी, आधे से ज्यादा मटके का पानी तो तुम ही पी जाती हो, हमें पानी पीने को मिलता ही नहीं है। मैंने क्या तुम्हें मटके का पानी पीने को मना किया है? तुम भी पियो, मटका तो रखा ही है भरा हुआ पानी से। अरे मोदी जी, पानी से भरा हुआ रखा तो है मटका, लेकिन कभी तुम भरते हो इस मटके को? पानी पीते सब लोग हैं, लेकिन इस मटके को सिर्फ मैं और अखिलेश पानी से भरते हैं। अरे वो सब छोड़ो योगी जी, मोदी जी से कहानी सुनते हैं। मोदी जी, एक कहानी को ना सुनाओ किसी राजा महाराजा की? नो मैं सुना देते हैं तुम्हें एक कहानी, बहुत पुरानी कहानी, राजा रानी की। हाँ मोदी जी, राजा रानी की कहानी सुनाओ। पिछली बार तुमने सुनाई थी तो वक्त कट गया था, पूरा दिन कब निकल गया पता ही नहीं चला। अभी तो दिन के 2 बजे हैं, अपनों को इस गर्मी में पीपल के पेड़ के नीचे 5 बजे तक बैठना है। 3 घंटे की एक कहानी सुना दो। किसी जमाने में बहुत पुराने वक्त में एक राजा था। तो मोदी जी, आज के जमाने में कौन से राजा होते हैं? पुराने जमाने का ही राजा होगा, इसमें कौन सी नई बात हो गई? अरे सुनो तो, केजरीवाल बीच में बोल पड़ती हो तुम, और उसकी रानी भी थी, बहुत खूबसूरत रानी थी। अरे राजा और रानी थे बहुत पुराने टाइम में, इसके आगे भी तो सुनाओ मोदी जी, तुम तो वही अटके पड़े हो। उसके बाद क्या, उन राजा महाराजाओं की उम्र हो गई और राजा और रानी खत्म हो गए। तो फिर कहानी क्या हुई, कहानी कहाँ सुनाई तुमने? अरे उमैसी जी, फिर क्या कहानी सुनाऊं? ऐसे नहीं समझोगे, ऐसे समझोगे तुम, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। अब राजा रानी ही नहीं बचे तो मैं कहानी किसकी सुनाऊंगा? अरे क्या मोदी जी बेफालतू की फेंकती हो, उन राजा रानी ने अपनी जिंदगी में तो कुछ किया होगा, उनकी कहानी सुनाते। राजा ने कोई ना कोई युद्ध लड़ा होगा, उसके बारे में कुछ बताते। उस टाइम में था क्या जो बताऊंगा तुम्हें उनके बारे में कुछ? उस टाइम की मुझे कोई भी बात याद नहीं है। भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे योगी जी, कैसे अड़के आगे खड़े हुए हो, पीछे को ना हटो, तुम्हारा पेट मेरे पेट से टकरा रहा है। शादी में अगर पुलिस वालों का इनविटेशन होता है तो मजा ही आ जाता है। आज शादी में खाना खा के मजा आ गया, इतना खाया है कि पेट बाहर निकल आया। अरे मोदी सर जी, मैं तो अपनी जगह सही खड़ा हुआ हूँ, आप ही खाना खाने के बाद मेरे पास आके घुसे जा रहे हो। कितना खा के आयो, तुम्हारा पेट 2 फीट आगे निकल आया। जैसे तुम्हारा तो पेट बिल्कुल निकल के नहीं आया है, अपना पेट देखो, तुम्हारा पेट कितना बाहर आ गया। तुमने कितना खाया है खाना शादी में? अरे मैंने कहाँ खाया है, मुझे तो मीठा पसंद है, 500 गुलाब जामुन खा गया मैं, बस गुलाब जामुन ही खाए मैंने, और कुछ नहीं खाया है। मैं तो कम से कम 50 रोटी खा गया होऊंगा, क्योंकि मटर पनीर की सब्जी बहुत बढ़िया बनी हुई थी, उससे मैं 50 रोटी खा गया। अरे भाई, तुम खाना बनाना छोड़कर यहाँ आकर कैसे बैठ गए, कैसे चाय पीने लगे यहाँ आकर? वहाँ खाने पे देखो गुलाब जामुन खत्म हो गए। अरे मेरे दोस्त की शादी है, उसने कहा था इंतजाम अच्छा रखना, उतनी गड़बड़ हो गई, गुलाब जामुन कौन खा गया, इतने गुलाब जामुन सारे खत्म हो गए शादी में। भाई इसमें हमारी क्या गलती है, लिस्ट के हिसाब से आपके हमने 1000 गुलाब जामुन बनाए थे। अब पता नहीं तुम्हारे यहाँ पर जो मेहमान है वो गुलाब जामुन बहुत पसंद कर रहे हैं, मुझे लगता है सारे गुलाब जामुन वो ही खा गए। अरे योगी जी, इन्हें क्या पता, ये आपस में बातें कर रहे हैं कि इनके गुलाब जामुन कम पड़ गए, लेकिन इन्हें क्या पता सारे के सारे गुलाब जामुन तो तुम खा गए। और भाई सुनो, अभी अभी मेरे पास फोन आया कि मटर पनीर भी कम पड़ गया। मटर पनीर कैसे कम पड़ सकता है, 12 रंग की सब्जी है पकी हुई, क्या सारे लोग मटर पनीर पर ही टूट पड़े? अरे तुम्हें जरा सी फिक्र ही नहीं है, तुम आराम से यहाँ पर बैठे बैठे चाय पी रहे हो, जाके मटर पनीर बनाओ। देखो भाई, हम बार बार खाना नहीं बनाते, जितना एक बार में लिखा हुआ होता है तुम्हारे पर्चे में उतना ही हमने बना दिया। अब इस बारे में तुम क्या बोलोगे मोदी जी? अभी तुम कह रहे थे कि 50 रोटी में मटर पनीर से खा गया, मुझे लगता है सारा का सारा मटर पनीर तुम ही हजम कर गए। मुझसे तो अभी कह रहे थे कि मैं गुलाब जामुन खा गया, गुलाब जामुन कम पड़ गए शादी में, तो ऐसे तो मटर पनीर भी कम पड़ गया। भाई खाना तो कम पड़ेगा ही, वो देखो 2 पुलिस वाले खड़े हैं, उनकी तोंदे कैसी तनी हुई है, पेट कैसे तने हुए, कितना कितना खाया है एक एक आदमी ने। खाना बहुत अच्छा बना हुआ था, इसीलिए लोगों ने खाया बहुत। भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या बात है अखिलेश, बहुत ही घटिया गिटार बजा रहे हो, बहुत ही घटिया, बजाते रहो इसी तरीके से, बड़ा मजा आ रहा है। अरे राहुल जोर से नाचो, कैसे हल्के हल्के नाच रहे हो, जम के नाचो। अरे मोदी जी, और कितनी तेज नाचूं, जमीन उमीन ढसक जाएगी नीचे, इतनी जोर से तो नाच रहा हूँ मैं। अरे अखिलेश, तुम्हारे गिटार में से आवाज हल्की आ रही है, गिटार के तार थोड़े टाइट कर लो। अरे मेरा गिटार सही सलामत बज रहा है, बहुत ही बढ़िया बज रहा है, गिटार के तार को मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा। राहुल मुझे ज्ञान देने से अच्छा है तुम अपने नाच पर ध्यान दो।
देखो मोदी जी कितना बढ़िया नाच रहे हैं, लेकिन तुम नाच ही नहीं रहे हो बढ़िया तरीके से। राहुल ये वाला स्टेप कर, ये वाला जो मैं कर रहा हूँ, दोनों हाथ फैला के। अरे मोदी जी और राहुल, मैं इतनी देर से दूर से तुम्हारा नाच देख रहा हूँ, अब मुझसे रहा नहीं गया, मैं तुरंत करीब आ गया नाच देख के। कितना गजब नाच रहे हो तुम दोनों, लेकिन ये तो बताओ किस खुशी में झूम रहे हो तुम दोनों। अरे मोदी जी ये तो आपने बताया ही नहीं, अपना किस खुशी में नाच रहे हैं आज। अरे योगी जी तुम भी बेतुकी बात पूछती हो, नाचने का कोई वक्त थोड़ी होता है, दिल खुशी से झूम गया तो हम भी झूमने लगे। लेकिन मोदी जी किसी खुशी में तो झूमा होगा दिल, दिल तो बताओ क्यों झूमा तुम्हारा, कोई खुशी तो मिली होगी। मिली है खुशी योगी जी, मिली है, बहुत बड़ी खुशी मिली है। तो हमें भी बता दो कौन सी खुशी है वो। पूरे 50 क्विंटल अनाज पैदा हुआ है मेरे खेत में, जो कभी मेरे खेत में 10 क्विंटल अनाज पैदा होता था, इस साल 50 क्विंटल अनाज पैदा हुआ है, इसीलिए खुशी से मैं झूम गया। लेकिन मोदी जी मैंने सुना है कि राहुल की तो फसल पूरी बाढ़ में बह गई, लेकिन ये खुशी से क्यों झूम रहा है। अरे योगी जी अजीब बात करते हो, किसी की खुशी में शामिल नहीं हो सकते। मोदी जी की फसल अच्छी पैदा हुई है, हमारी फसल बाढ़ में बह गई तो क्या हुआ, हम उनकी खुशी में शामिल हो रहे हैं। मोदी जी की खुशी तो हमारी खुशी, और जब मेरी फसल बाढ़ में बही थी तो मोदी जी ने मिलके मेरे साथ दुख मनाया था, जब वो मेरे दुख में शामिल हो सकते हैं, मैं उनकी खुशी में शामिल नहीं हो सकता। ये तो बहुत बढ़िया बात है राहुल, बहुत बढ़िया बात है। वो मुर्गे वाला डांस करके दिखाना जो तुम बचपन में करते थे। अरे योगी जी अब वो नाच कहाँ हो पाता है, वो तो बचपन में मैं करता था। वो वाला नाच तो मैं इस उम्र में भी कर लेता हूँ, अभी करके दिखाता हूँ तुम्हें। अखिलेश गिटार का सुर थोड़ा और बिगाड़ो, तभी वो डांस हो पाएगा मुर्गे वाला। तुम्हारे सुर में सुधार हो गया, सुर को थोड़ा बिगाड़ो। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या करें राहुल और योगी जी, चले घर को वापस, सुबह से शाम हो गई, एक मछली भी नहीं फंसी है, बिल्कुल खाली आए थे, खाली बैठे हुए हैं। सोचा था 1-2 किलो मछली फंस जाएंगी, उसे बाजार में बेच दूंगा, 100-200 रुपए की दिहाड़ी हो जाएगी, लेकिन पूरा दिन हो गया एक मछली भी नहीं फंसी है, इससे तो कहीं पर काम करने चले जाते तो बढ़िया है। अरे मोदी जी मैंने तुमसे कहा था कि इस तालाब में एक भी मछली नहीं है, एक भी मछली नहीं है, लेकिन तुम बोले इस तालाब में बहुत मछली है। लो अब खुद ही देख लो कितनी मछली है, सुबह से शाम होने को जा रही है, एक भी मछली नहीं फंसी है। ये मोदी जी बेफालतू में ऐसी गलत बात बताते हैं, मैंने भी कहा था कि इस तालाब में एक भी मछली नहीं है, लेकिन इन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। मैंने कहा था कि गांव के पूरा बाले तालाब में चल रहे हैं, उसमें बहुत मछली है, लेकिन ये वहाँ नहीं गए। अब आज का पूरा दिन बेकार हो गया। सारा दोष तुम मेरे ऊपर डाल रहे हो, क्या तुम्हारी मर्जी नहीं थी इस तालाब पे आने की? अगर तुम्हारा मन नहीं था तो नहीं आते इस तालाब पे। चलो वो सब छोड़ो, 4 बजने को जा रहे हैं, खाना खा लेते हैं। राहुल अपना टिफिन खोलना, तुम्हारे टिफिन में से बहुत बढ़िया पराठों की खुशबू आ रही है, वो ही खाऊंगा आज मैं। अरे मेरे पराठे क्यों खाओगे, तुम अपना भी तो टिफिन लायो, तुम अपने टिफिन में जो दाल चावल लायो वो खाओ, मेरे पराठे क्यों खाओगे। अगर 1-2 पराठे मुझे खिला दोगे कुछ हो जाएगा तुम्हारा, मछली तो वैसे भी नहीं फंसी है, कम से कम पराठा ही खिला दूं। देखो मोदी जी राहुल से ज्यादा जिद मत करो, क्योंकि आज मैं अपना टिफिन नहीं लाया हूँ खाने के लिए, तो मैंने राहुल से सुबह ही बात कर ली थी कि मैं आज टिफिन भूल गया हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ पराठे खाऊंगा, और इसने हाँ भी कर दी थी, इसीलिए ये पराठे हम दोनों मिलके खाएंगे, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगा। अरे कैसी बात करती हो, मिल बांट के तीनों लोग मिलके खा लेते, तुम मेरा दाल चावल खा लो, मैं तुम्हारे पराठे खा लेता हूँ। अरे मोदी जी मुझे दाल चावल पसंद ही नहीं है, मैं खाऊंगा ही नहीं तुम्हारे दाल चावल, मैं तो अपने पराठे ही खाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, आज ना मछली हाथ लगी ना तुम्हारे पराठे हाथ लगे, कल को मैं पराठे लाऊंगा, फिर मुझसे मांगना तुम पराठे, मैं भी तुम्हें नहीं खिलाऊंगा। अरे जाओ मोदी जी, मैं आपसे कभी मांगता ही नहीं हूँ, मैं जो लाता हूँ वो ही खा लेता हूँ। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।